हेलो भैया, मैं हूँ शिवम। वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो ऑफ शिवम जानी। तो भाई कॉलेज से भाई अपना जो है डे ऑफ हो चुका है, भाई अपने घर के लिए निकल गए हैं। स्पीड डेक्स का 30 किलोमीटर की, बाकी हमारे साथ में, अबे आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी पता नहीं, बाकी हमारे साथ में भाई हमारा यस। हेलो गाइस। और यस जो है भाई हमारे मेरठ के आउटस्कर्ट्स में एक गाँव पड़ता है भाई, समयपुर, वहाँ पर रहता है। बाकी भाई आप देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और भाई अटेंडेंस जो है ना मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है। है यस। बाकी और चीज़ें मत खोलियो तू, अब की बार पेपरों में प्रोफेशनल की बात मत खोलियो यार। पता नहीं भाई आवाज़ भी ढंग में आ रही होगी नहीं आ रही होगी। बाकी भाई अटेंडेंस पूरी करने के लिए भाई डोलते फिर रहे हैं इधर उधर, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है यार। भाई टेम्परेचर का मैं आपको बताऊँ ना, टेम्परेचर तो भाई इतना ज़्यादा हाई हो रहा है। और देखो अभी तुम्हारे भाई ने हेलमेट नहीं लगा रखा, पर भाई चेकिंग इतनी गाड़ी चल रही है ना अब, बहुत ज़्यादा गाड़ी, आगे से आगे चोप लाएगा तो भाई उसमें ही अपना हेलमेट में लगाऊंगा यार। जितने बंदे देखो अभी नोटिस करने, जितने बंदे टू व्हीलर में आएंगे ना सारे के सारे हेलमेट लगा के जाएंगे। 1 अप्रैल से भाई हमारे रूल्स है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके भाई। यार मैं यूँ सोच रहा हूँ आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। यस है, आ रही है। देखो अब देखो बंदे ओवरटेक करने वाले हैं मेरे को, देखो ORBM में देखो आने वाले भाई, सबके सब हेलमेट लगा के जा रहे हैं यार। क्या करें भाई, पुलिस के बंदे कैसे लगाएंगे पर भाई हेलमेट, सारे के सारे बाल तो भाई ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से जो लंबे बाल है ना भाई वो मेंटेन करना तो और ज़्यादा मुश्किल है भाई। ये रोक चुके हम अपनी स्कूटी, और हेलमेट लगाने के लिए भाई रुकना पड़ेगा अपना भाई, समयपुर वाला दोस्त पहले ही चला जाएगा। ये निकाल ले, खोलिए भाई यस खोल। एक तो उसकी डिग्गी ठीक कराई देंगे भाई, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। हेलमेट लग चुका है भाई, मतलब वो भाई इंडिकेटर चला पड़ा इतनी देर से, पर कोई नहीं पीछे वाला वो है। और यस क्या हाल है? बढ़िया भैया बढ़िया। गोरा गोरा लग रहा आज तो। हाँ आईफोन में तो गोरे गोरे देख चीने हो गए आज तो बिल्कुल। हाँ गाड़ी साफ बिल्कुल लग रहा है मेरे को, पर यार आगे चेकिंग जरूर हो रही होगी इतना मेरे को पता है। यहाँ पे जो सिग्नल आता है यार ये बहुत लंबा है, बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे। ये देखो भाई 2-2 मिनट के सिग्नल यार कैसे इंतजार करना पड़ता है, 180 सेकंड का था भाई ये। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका घर पे, और भाई घर पे अपना ये वाईफाई लगवाना है अपना, इसलिए थोड़ा मैं पुलिस से जल्दी आया था। यहाँ से जो है भाई तार जो अपना इस गेट में से पास करा देंगे ठीक, इस जगह एक सुराख करा देंगे, वरना जो अपना इसी से तिलका हुआ है यहाँ से भाई अपना वाईफाई का जो रूटर है यहाँ पे सेट करा देंगे। अभी दिखाता हूँ मैं बाहर आपको, भाई बाहर भैया काम करने लग रहे हैं, थोड़ा सा जो तार वार हैं वो करने लग रहे हैं। ये देखो भाई ये खम्भे कैसे जाएगा यार, पीछे से आने लग रहा है देखो। और भाई जो पेमेंट होती है इसकी वो मैं पहले ही कल ही कर चुका हूँ, और जो ये भैया है भाई मेरे को ये जो अपना ब्रॉडबैंड का रूटर होता है ये देखे जा चुके हैं। तो भाई जो पेमेंट मैंने करी है ना भाई वो करी है मैंने 2825 रुपये। तो 6 महीने का जो अगर हम पूरा का पूरा टोटल अमाउंट होती है भाई वो डिपॉजिट कर देते हैं तो भाई हमें सिर्फ इसके जो है प्लान के पैसे देने पड़ते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस में नहीं लगते। और जो मैंने प्लान लिया है ना भाई वो है 472 रुपये पर मंथ वाला। तो भाई 30 Mbps की उसमें स्पीड मिलेगी, अपना भाई एक टीवी चलना और एक दो फ़ोन चलना है तो उसके लिए ये स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अरे भाई ये थोड़ी सी देर के लिए भाई मेरे को थोड़ा सा एक छोटा सा बैंक का काम था, इतनी देर में यार वो जो भैया थे वो पूरा का पूरा वाईफाई सेटअप करके चले गए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो भाई अपना सबसे पहले तो जो केबल आई है मेन सोर्स से वो तो आ गई, फिर यहाँ से जो है एंटर करके ये भाई मैंने छोटी सी जो ये है ना जो सीस हमारा टूट तिड़का सा हुआ है यहाँ से निकलवा लिया। ये जो अपना पूरा का पूरा गिट्टी के थ्रू भाई इन्होंने यहाँ पे अपना वाईफाई लगा दिया, और यहाँ से पूरी तार आ गई। और इसमें भाई एक छोटा सा ये चार्जर आता है, और वो जो भैया भाई वो बता रहे थे कि 3 महीने की वारंटी इसको होती है, अगर ये फूक जाता कुछ हो जाता तो 3 महीने के अंदर अंदर तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बदला जाएगा। उसके बाद अगर ख़राब होता है तो भाई 300 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेंगे और ये चार्जर लेंगे, तो जब आप पूरा का पूरा सही करके देते हैं। और ये जो भाई रूटर होता है ना जियो का, इसकी लाइफ टाइम की वारंटी होती है, अगर ये कभी भी ख़राब होता टूटता फूटता कुछ भी होती है तो भाई उनकी गारंटी होती है। और भाई वो बंदे आए थे ना, बंदे भाई इतने ज़्यादा सपोर्टिंग थे वो कि भाई वो अपने 2-2, 3-3 नंबर दे के चले गए, मैंने मांगे भी नहीं, और फिर भाई अपने आप से खुद से दे के जा रहे कि भैया अगर ये वाला नहीं मिला तो ये वाला लगा लेना, ये वाला नहीं लगा तो ये वाला लगा लेना। बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्टाफ था, मतलब स्टाफ क्या मतलब लेबर ही थी वो, पर भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। पर जो अपना यहाँ पे अपना रखा हुआ ना भाई सेटअप बॉक्स 320 रुपये का इसका रिचार्ज होता था, तो भाई अभी से मैं हटा दूँ। बस यार सही है अपना वाईफाई लग गया, वीडियो अपलोड करने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे को। और ये बॉक्स देखो भाई, इस बॉक्स में क्या क्या दे रखा है, इसमें से खैर जो काम का सामान तो निकाल लिया। ये जो है भाई इसमें बस ये चीज़ें बची हैं, ये पता नहीं किस चीज़ की केबल है, खैर उठा कर रख लेंगे। ये जो है भाई इसमें सिग्नल विग्नल जो इसके इंडिकेटर होते हैं ना, अगर इनमें ऐसी लाइट जलेगी तो स्टॉप हो गए, ये सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा, अरे हो जा फोकस, ये चीज़ें लिखी हुई हैं अगर इसमें ऐसी लाइट जलेगी। अब जो है ना ये
ये ऑन है, अगर हमें ऑफ करना तो बस ये बटन जो आपने ये दबा देना। बस इसमें एक छोटी सी चीज की दिक्कत ये होगी, ये जो अपना सॉकेट है ना ये भाई इन्वर्टर के थ्रू नहीं है, अब जब ये लाइट भग जाएगी तो वाईफाई पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। इसे खैर अपना इन्वर्टर के थ्रू करा लेंगे। अब बस ये है कि यार जो अपना केबल है ना भाई इसकी दिक्कत हो रही है, एक छोटी सी से पूरा का पूरा निकाल दूंगे, ताम झाम जो है यहाँ से खत्म करूंगा। और यहाँ से देखो देखो ये बाहर आ रखा था, और यहाँ से भाई ये पूरा चौखट में से जा रखा था। हाँ तो यार इसे पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे, वैसे भी अभी केबल वेबल का सिस्टम भाई समझ में नहीं आता। अरे भाई इसमें वाईफाई में जियो के में एक चीज़ सही रहती है, एयरटेल का खैर मेरे को नहीं पता, ये जो है भाई एक नंबर देकर गया है मेरे को, ये लैंडलाइन का नंबर होता। अगर वाईफाई से हम कनेक्ट करके किसी भी फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में भाई कॉल मिलाते हैं ना उस ऐप में जाकर, जियो कनेक्ट में जाके, तो भाई अपनी जो कॉल है ना वो लग जाती है अपने वाईफाई रेंज के अंदर। यार ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है मेरे ख्याल से। तो बस मम्मी की एक दिक्कत हो गई भाई, मम्मी का बटन वाला फ़ोन है ना वो, उसका कहीं से भी निपटारा नहीं हुआ, कहीं से भी सुलझावा नहीं उसका भाई, उसमें तो भाई यही है कि रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। और भाई एक और बढ़िया बात आपको बताता हूँ, जो आज हमारा रूटर लगा है भाई, वाईफाई लगा है, अभी जस्ट मैं सो के उठा भाई, अपनी वीडियो एडिट करी, और जो इसकी स्पीड टेस्ट करने का मौका है भाई, अपलोडिंग स्पीड टेस्ट करने का, वो भी जो इतना बढ़िया मौका है वो भी हमें आज ही प्राप्त हो गया, क्योंकि जो हमें अपना पिछला व्लॉग अपलोड करना है ये रहा भाई, इसे क्लिक करते अपना जो है ये हो गया अपना व्लॉग अपलोड होना स्टार्ट। ठीक है अब देखते हैं भाई कितनी स्पीड आएगी। ठीक है अभी तो मैं कमरे के अंदर हूँ, अपना जो वाईफाई है वो बाहर बरामदे में लगा हुआ, तो वहाँ पे भी जाके देखेंगे। यार ये भाई अपनी 3.4 Mbps की, तकरीबन 4.4 Mbps की मैक्सिमम स्पीड आ रही है यार, सही है भाई, और क्या चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ना भाई, जो चलो वाईफाई अब तो लग गया, और इससे पहले व्लॉग अपलोड करने के लिए, अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत मेरे को करनी पड़ती थी। कभी कभी तो भाई जो ये है ना बीच में से कट जाता है ना, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा, और नेट इतना ज़्यादा बर्बाद होता था। पर यार वही है वाईफाई थोड़ा सा जीवन में अपना क्या बोलते हैं भाई, उसे खुशियाँ लेकर आया है यूँ समझो। ठीक है अब देखो यहाँ पर आ गया, अब थोड़ा मैं बाहर को चलता हूँ बिल्कुल वाईफाई के बिल्कुल बराबर में, ये अपना रूटर लगा हुआ है इसके बराबर में, देखते हैं भाई कितनी स्पीड आएगी। 4.4 हाँ यार इतनी मैक्सिमम जा रही है, यही है यार, मतलब 30 Mbps वाला अपना प्लान है ना, तो भाई तकरीबन 4.4 Mbps से 4.5 Mbps से ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे 30 Mbps का प्लान होता है ना अपना, तो भाई 3 Mbps आनी चाहिए कायदे में तो, पर फिर भी उससे अपनी याद आ रही है। बताओ यार 4 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड हो रही है, और चाहिए क्या यार, बहुत स्पीड होती है। और मैं आपको बताऊँ ना भाई, मैंने तकरीबन 1-1 घंटे तक लगाए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, कभी बीच में कट जाती थी, कभी रह जाती थी, कभी नेट बंद हो जाता था, कभी किसी का मैसेज आ गया, और बीच में से अगर ये ऐप कट गया तब भी वीडियो अपलोड होनी बंद हो गई, तो यार बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई अपने लिए, ये चीज़ सही है यार, काफ़ी ज़्यादा सही है। इस चीज़ के लिए यार एक लाइक ठोक दो अपने भाई के लिए। बाकी भाई उसी के साथ मैं यहीं पे एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, फ्यूचर में भी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।